करारी पूर्ण कुशले हे सर्व पीयूषेश्वरी हे मत प्राण प्रिये प्रसन्न मनसा रासोत्सवे गम्यताम् गम्यताम गम्य राम को ये गोपी करहि प्रबंध प्रवीण सुंदर साज समाज को बांधहि काट साज सितार सुदेवी तुम ललिते मोहन गहे तमुरा तुंगिका तू विशाल रवा सारंगी से हरि प्रिया ऐसो बने बना मनमोहन मुरली गहे मैं नाचो सज साज नदी बह पुण्य प्रेम की ऐसो सजे विधि आज प्रबंध करो विधि आज प्रबंध करो विधि आज प्रबंध बजाई आज रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी शिव समाधि भूल गई मुनिजन की तारी। शिव समाधि भूल गई मुनिजन की तारी। राज किया करते हमको एक प्राणपति दिला जगता को जिंदा तको आदला आदला जगता को जिंदा जिंदा जगता ब्रजवान गोपाल देवे ब्रजवान रास रचो बंसीवत छैया रास रचो बंसीवत छैया पखावज बांसुरी की धुनी आनंद सिंधु मेरी आनंद सिंधु बढ़ो ते भैया देख ब्रजराज जिया करते, क्यों प्रीत वेद को पानी दिया करते हैं। कब पूरेगी यह बाट तका करते, दिन रैन हमारे नयन बहा करते हैं। गजराज मस्त जिस तरह छुआ करते हैं, कोई पूछे क्या बलवंत किया करते हैं। हम अपनी आगे की मंजिल साफ किया करते हैं। कोई चिपटी से जुड़ी रे वृंदावन बिहारी भगवान नाम की ध्वनि लगा। फिर लीला प्रारंभ होगी और आज उत्सव ही नहीं महामहोत्सव का दिन है। और महामहोत्सव का ही का ब्रज के जो झूला का महोत्सव कहते हैं, सबसे बड़ा पर्व का दिन आज ही हरियाली थी। अब की बार जैसा हुआ है श्रावण में एक दिन भी वर्षा नहीं आई है ठीक से, ऐसा प्राय नहीं होता। ऐसे हम लोगों का दुर्भाग्य समझिए, ठाकुर को लाडल बनाने का हमारा मन होता है, परंतु दुखी हो जाते हैं जबकि इंद्रदेव कृपा नहीं करते। अब चाहे हमारे पाप समझो चाहे और किसी के समझो, कुछ न कुछ है तो सही। थोड़ा पुण्य का मन बनाइए, सत्संग में बैठ करके पुण्य का संचय करना चाहिए, पुण्यात्मा बनना चाहिए, पुण्य से विलग नहीं होना चाहिए। बस यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। वृंदावन में आए हो तो ये बात ध्यान में रखने की है, वृंदावन में आकर के कोई पाप न बन जाए। थोड़े लिखे को बहुत समझना, प्राय ऐसा हो जाता है। मैं किसी के नाम लेकिन नहीं कह रहा, वैसे प्राय हो जाता है। उसके लिए प्रायश्चित करिए, श्री राधा रानी से प्रार्थना करिए, बिहारी जी से प्रार्थना करिए, संतों से प्रार्थना करिए, भगवान हमसे कोई अपराध बना हो तो हमारे अपराध को क्षमा करें। इंद्रदेव से कहिए थोड़ी वर्षा हो तो ब्रज के लोग भी, ब्रज के बिरही लोग जो खा रहे बिनु गोपाल ठगे से ठाड़े अति दुर्बल तन कारे। अब बात तो बहुत बड़ी है पर थोड़े से संक्षेप में आपको बता दें कि बरसाने में श्री राधा रानी प्राकट्य उनका हुआ। और हमारे यहाँ रसिक जनों की ऐसी मान्यता है कि वो नंदगांव में कन्हैया के साथ विवाह हो गया। कोई कहे कि ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा तो लिखा ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में श्री राधा नाम ही नहीं लिखा है। ये बड़ा तर्क का विषय है पर पंडित लोग सब बताते हैं, आप लोग सुनेंगे उनसे जिज्ञासा भी करिए। वास्तव में बात ये है परमधन राधा नाम आधार, जाहे श्याम बंसी में तीरथ सुमृत बारंबार। श्री सुख प्रकट कियो नहीं आती, जान सार को सार। जहाँ सार को सार भी आकर के एकत्रित हो जाता है तो वो केवल श्री राधा नाम में है। ठाकुर जी का एक पद्य है, आज सम्भव बोडीरा में आवे नहीं आवे, मैं राधा राधा गाऊं राधा बिन चैन न पाऊं, जहाँ राधा की चर्चा कीजिए तहाँ प्रथम जान मोहे दीजिए। श्री राधा मेरी संपत, श्री राधा मेरी दंपत। जहाँ राधा के गुण गावें तहाँ सुनवे को हमावें। जहाँ कोई श्री राधा नाम गाता है, चर्चा करता है, तो आप ऐसा मत समझिए कि आपके बीच में कन्हैया नहीं है। कहीं न कहीं कन्हैया बैठ कर के सुन रहा होगा, देख रहा होगा। अब ये विश्वास की बात है, हम ज़्यादा उसको नहीं कहेंगे। बड़े बड़े संत रसिकजन इस बात को मानते हैं। जहाँ भगवान की लीला होती है, वृंदावन की रज में तो एक महत्व यही इसी बात का है। दूसरी जगह चाहे हो ना हो, तो वृंदावन का तो महत्व है ही है। जिस रज में बैठ कर के हम यहाँ लीला का दर्शन कर रहे हैं, ये पहले इसको इस जगह का नाम पीपरवन था। पीपड़ी के वृक्ष थे। पीपरवन का अर्थ है पीपड़ी के वृक्ष होते थे। जब हम यहाँ सवेरे आते थे वायु सेवन के लिए, पीपड़ी के वो पत्ती और वो उसका गिरता था। इतने मोर थे, इतने मोर बोलते थे कि एक थोड़ी सी आवाज़ सुनाई पड़ जा कहीं तो महाराज मोरों की कोख होने लग जाती है। अब तो मोर ही नहीं छोड़े। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु हम तो यही कहें कि हम ब्रजवासियों का ही दुर्भाग्य है कि ब्रज के मोर कम हो गए, वृंदावन के मोर कम हो गए। आप श्री वृंदावन में पधारे तो भाव राज्य में यही मानिए, श्री राधा माधव दोनों एक हैं। श्री राधा मेरी संपत, श्री राधा मेरी दंपत। जहाँ राधा को गुणगा में तहाँ सुनवे को हमा। जहाँ राधा नाम उच्चारण आप करेंगे तो कन्हैया सुनेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आज भाव यही है लीला का। श्री वृंदावन चाचा की बारे में धर्मवंश संप्रदाय, श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में यही मानते हैं कि श्री राधा बरसाने से नंदगांव में चली गई, कन्हैया डबा करके ले गए। अब जब श्रावण का महीना लगता है, आता है, तो थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ती हैं और जितने ब्रजवासी हैं सब अपनी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बुलाते हैं पियर में झूला झूलने के लिए। वैसे झूला तो मैंने देखा है प्राय दिल्ली में भी, कलकत्ते में भी, बम्बई में भी बड़े बड़े घरों में झूला रहता है। तो अपनी मौज मस्ती के लिए रहता है, पर झूला झूलने से कई प्रकार के रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। घर में हो चाहे न हो, पर जहाँ जंगल में आप झूला झूलेंगे तो कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। हम तो जब छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में तो एक ऐसे वृक्ष था, तो वहाँ झूला पड़ता था और जब अपनी अपनी लालियों को ले आते थे तो वो बड़ी ज़ोर से गाती थी, ऐसी धुन मस्त हो जाती थी, सुन करके अपने आप रोमांच होता था। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, वृंदावन में बैठ करके इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो एक बंजारा जो है आज आ रहा है और ये नंदगांव में श्री राधा पहुँच गई हैं। ये पद्य हमारी किसी की अपनी बनाई हुई रचना नहीं है, श्री वृंदावन चाचा की वाणी है। श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में बड़ा महत्व है उनका, तो आप सुनेंगे। ये बंजारा जाति से छोटे होते हैं, परंतु उनको श्री राधा भैया कह करके बोल रही है, क्यों वो निकल करके जा रही थी, वो ऊपर बैठी थी। तो लीला का बड़ा सुंदर भाव है। आप इस भाव को समझ लेंगे कि यहाँ जात पात नहीं पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का। वृंदावन की महत्ता तो इसी में है कि आप वृंदावन में बैठ करके ठाकुर की लीला का दर्शन करेंगे तो आपको अत्यंत आनंद आएगा। पर भाव में भावित होकर के ऐसा रसास्वादन करिए कि आप भी ये समझें कि श्री राधा रानी नंदगांव में बैठी हैं अपने ऊपर महलों में, नंद बाबा के यहाँ। और जाति का बंजारा कहीं से व्यापार करके लौटते हो तो वहाँ होकर के निकल रहे थे, उसे संकेत करके बुलाती है। पद्य की सबसे पहली पंक्ति ही यही है, यह बंजारो बीरन नगर को यह कही और संदेश सकी जा। बीर हमारे यहाँ कहते हैं, आप भी सब बहुत से लोग हरियाणा में भी बोलते हैं, बीर कहते हैं भाई को। तो बंजारे को बीर कह के बोलेंगी और बुलाएंगी। और बड़ा सुंदर भाव है। हम लीला प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी को झूला झुलाना आज आवश्यक है। ठाकुर जी झूला पर झूला झुलाएंगे। हम थोड़ा सा निवेदन ये करेंगे, उस समय थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है कि हम किसी को एक दो कोई आ गए तो फिर सब उठ करके चले आते हैं, हम भी झुलाएंगे हम भी झुलाएंगे हम भी झुलाएंगे। भाव तो आपका बहुत ठीक है, सब झुलावें ठीक है, परंतु सब झुलावें आप और ठाकुर जी को गर्मी लगे और वर्षा वैसी नहीं हुई है तो उससे ठाकुर जी को कष्ट न हो। हम जब आपसे प्रार्थना करें तभी जिनको बुलाएं नाम लेकर के बुलाएं वो लोग आएँ और झुला दें। संतों का ठाकुर है, भक्तों का ठाकुर है, रास्ते में खिलाना उन्हें लाड़ लड़ाना ये आपका कर्तव्य है। इसीलिए हम ये लीला कर रहे हैं। आज के हरियाली तीज के दिन लीला प्राय होती है, तो आइए एक दो मिनट भगवान नाम ले लें फिर लीला प्रारंभ करें।